बायो एकेडमी पर जेंट्स, आज किंगडम प्रोटिस्टा का पार्ट फोर हो जाएगा पढ़ाई आप लोगों के लिए, जिसमें स्लाइम मॉल्ट्स आएगा जी। क्लास थ्री नीट के लिए भी ये है, और जितना भी क्लास ट्वेल्थ के बेस से एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी है। एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरे के पूरे एनसीईआरटी, गाइडेड बाय रामानंद कुमार यानी मेरे से। तो चलिए शुरू करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा स्लाइम बॉल्स। शुरुआत करते हैं स्लाइम बॉल्स। स्लाइम बॉल्स का पहला है ऑल्सो कॉल्ड कंज्यूमर डीकम्पोजर प्रोटिस्टा। अब इसको कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर प्रोटिस्टा क्यों कहेंगे, चलिए आगे देखते हैं। यह है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मतलब होता है कि गंदगी खाने वाला, जैसे कि जितना भी एनर्जी लेवल, एनर्जी का पिरामिड होता है उसमें सबसे नीचे यही पाया जाएगा स्लाइम बॉल्स, जिसको क्या कहते हैं सेप्रोफाइटिक, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, और यहाँ पर सबसे नीचे में होता है प्रोड्यूसर, उसके सबसे नीचे में होता है डीकम्पोजर। यही भाग करता है, डीकम्पोज का भाग करता है। ओके, मूव अलोंग डिकिंग ट्विग एंड लिप्स। ट्विग का मतलब होता है टहनी, लिप्स का मतलब होता है पत्ता, मतलब कि डिकेइंग करता है, जैसे कि किसी खेत में या किसी जगह पत्ता को गिर गया, या कोई टहनी, छोटा सा टहनी टूट के गिर गया है, तो उसको डिकेइंग करेगा कौन, स्लाइम मॉल्स। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच ग्रो एंड स्पेयर्स। सुटेबल कंडीशन अगर हो गया तो एग्रीगेशन, एग्रीगेशन के मतलब होता है एक जगह जमा हो जाना, ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा स्लाइम मॉल्स एक जगह जमा हो जाए उसे क्या कहेंगे, प्लाज्मोडियम, जो फैलता भी है और धीरे धीरे उसका विकास भी होता है। प्लाज्मोडियम इज द न्यूक्लियर मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विदाउट ए सेल वॉल। प्लाज्मोडियम न्यूक्लियर मास होता है किसके बिना, सेल वॉल के बिना। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मतलब कि जिसको ये बर्दाश्त नहीं कर सके, अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफिशिएंट टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग मतलब बॉडीज मतलब फल देने जैसा, कॉल्ड स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, स्पोर का शब्द किसके इसमें इस्तेमाल आ गया, स्पोर का मतलब होता है ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करने की क्षमता को विकास कर सकता है। आप इसे पहले यहाँ पर देखे हैं प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम अपने आप में ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सुटेबल कंडीशन है, सुटेबल कंडीशन है, और ये क्या हुआ, एक साथ में जमा हो गया। मान लीजिए बहुत सारा स्लाइम मॉल्स हैं, एक साथ जमा हो रहा है ये, ठीक है, और ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है। तो ये तो हो गया प्लाज्मोडियम, ओके। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन मतलब कि जब कोई भी मुसीबत के समय आ जाए तब प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएटेड, प्लाज्मोडियम क्या करेगा, अपने आप को हटाएगा, बिखराव करेगा अपने आप में, बिखराव करेगा। एंड प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज एट टिप्स कॉल्ड स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम प्रोड्यूस स्पोर, स्पोर का शब्द कहीं भी आ जाएगा समझिए बीज का निर्माण वहाँ पर हो रहा है। सीड नहीं होगा वो, क्या नहीं होगा, सीड नहीं होगा, स्पोर को इज कॉल्ड टू सीड, ये नहीं कह सकते आप, ओके। कैपेबल फॉर सर्वाइविंग फॉर ए लॉन्ग अंडर एडवर्स कंडीशन, मतलब कि जो स्पोरेंजियम हो गया वो क्या होगा, अन कंडीशन में ये ज़्यादा बढ़िया से सर्वाइव कर पाएगा। स्पोर डिस्पर्स बाय एयर करेंट, अगर इसको फैलने का मन हो, जैसे कि इसका बीज को आप निकलने का समय आ गया,
तो एयर करंट के थ्रू ये फैल सकता है। अब एनसीईआरटी का कुछ लाइन इसमें देख लेते हैं। स्लाइम बॉल्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा है ये, और सेप्रोफाइटिक मतलब गंदगी खाने वाला। द बॉडी मूव्स एलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स। इंगल्फ मतलब होता है निकल जाना, किसको डिकेइंग मतलब ट्विग मतलब होता है टहनी, लीव्स मतलब होता है पत्ता। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एंड एग्रीगेशन कॉल प्लाज्मोडियम विच मे ग्रो एंड स्पेयर ओवर सेवरल फीट्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएटेड क्या हो गया, प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएटेड एंड फॉर्म प्रोटीन बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट द टिप्स। द स्पोर्स प्रोसेसेस ट्रू वाल्स, देखिए प्लाज्मोडियम में ट्रू वाल्स नहीं होगा लेकिन स्पोर में ट्रू वाल्स पाया जाएगा। दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का मतलब जो टूटने से जल्दी टूटे नहीं, टूटने से बचे। एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, मेनी ईयर तक ये सर्वाइव करता है इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। एडवर्स मतलब ख़राब कंडीशन। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करेंट, एयर करेंट से ये डिस्पर्स होता है। तो दोस्तों आपके लिए यही क्लास था स्लाइम मॉल्स का। अगला क्लास प्रोटोजोआ, जो थोड़ा लंबा भी है और उसका प्रोटोजोआ में भी क्लास होता है जो आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि प्रोटोजोआ ओके, प्रोटोजोआ में चार क्लास हो जाता है, सब क्लास कह सकते हैं। ये तो अपने आप में एक क्लास है, क्या हो जाएगा सब क्लास। प्रोटोजोआ कितने क्लास है, सब क्लास चार। चार में अमीबा आ जाएगा, प्रोफ्लैजेलेट प्रोटोजोआ आ जाएगा, सिलिएटेड प्रोटोजोआ आ जाएगा एंड स्पोरोजोन्स आ जाएगा। यह चार सब क्लास को ठीक से पढ़ना है क्योंकि इससे आपके कोई भी परीक्षा हो उसमें सवाल आपको पूछा ही जाएगा। तो दोस्तों आज तक का यही सब था और अगले क्लास में आपके लिए प्रोटोजोआ के बारे में लाऊं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चलिए अगले क्लास में मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।